अब आपको उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में मतगणना को लेकर क्या तैयारियां हैं वो इन तीन तस्वीरों के जरिए हम दिखाने जा रहे हैं। वो तीन तस्वीरें कौन कौन सी हैं जल्दी से आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए कहां कहां पर क्या तैयारी है, ये तीन अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये तीन जिलों की तस्वीर। काउंटिंग होनी है कल और सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। काउंटिंग से पहले जो अधिकारी मोर्चा किस तरीके से संभाले हुए हैं, किस तरीके से वो निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि तैयारी कहां पर कैसी है, ये तस्वीरें आपके सामने अल्मोड़ा की, पिथौरागढ़ की और उत्तरकाशी की हमने आपके सामने रख दी। कल नतीजे सामने आने हैं और काउंटिंग के लिए अलग अलग जिलों में युद्ध स्तर पर उत्तराखंड में तैयारी चल रही है। उत्तरकाशी में तीनों विधानसभा सीटों की मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, बंदोबस्त कर लिए हैं। गंगोत्री के लिए 12, पुरोला के लिए 12 और यमुनोत्री के लिए 10 टेबल बनाई गई है। पिथौरागढ़ की बात कीजिए, 4 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है और मतगणना की पूरी तैयारी यहाँ पर भी कर ली गई है। सभी कर्मचारियों को आज फाइनल प्रशिक्षण दिया जाएगा और कृष्णा नंद उप्रेती राजकीय इंटर कॉलेज में मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, वहां पर भी पुख्ता बंदोबस्त है। और पौड़ी की बात कर लेते हैं, देखिए पौड़ी में 6 विधानसभा की सीटें हैं और प्रशासन की यहां पर भी पुख्ता तैयारी है। मतगणना केंद्र आने वालों को दिखानी होगी RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट और सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रत्याशियों को ये निगेटिव रिपोर्ट जो है वो दिखानी ही होगी, अनिवार्य है। रिपोर्ट के साथ अगर नहीं आए तो फिर जांच वहीं पर की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट साथ नहीं लाने पर मतगणना परिसर में ही जांच होगी कोविड की और जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही मतगणना केंद्र परिसर में उनकी एंट्री पॉसिबल हो पाएगी। अब उत्तराखंड में एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। हालांकि सर्वे में कांग्रेस बहुमत के करीब नजर आ रही है और ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत एग्जिट पोल के रुझानों से गदगद है। उनका कहना यह है कि भले ही नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे लेकिन उससे पहले यह साफ हो गया है कि प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। भावना का जो पोल है, हम बहुत स्पष्ट तौर पर बहुमत पा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। घबराई भी भाजपा जो है तोड़ फोड़ में और अपनी गंदी हरकतों पर विश्वास कर रही है, लेकिन जनता ने सब चीज़ें समझ करके स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट बहुमत दिया है।